दोस्तों, आप लोग अगर IQ G9 Turbo 5G का इंडिया में इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि इस फोन के इंडिया लॉन्च डेट को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया है। इस वीडियो में इस फोन के कंफर्म डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे कि ये फोन इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होगा, और ये फोन जब लॉन्च होगा तो ये कितने प्राइस पर लॉन्च होगा, और सारे डिस्काउंट के बाद ये फोन आपको कितने में मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पूरे डिटेल्स में IQ G9 Turbo के बारे में। सबसे पहले इस फोन के लुक का बात करें तो इस फोन का बैक लुक कुछ इस तरीके का होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये फोन पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आएगा, इसमें दो कैमरा का सेटअप रहेगा और एक LED फ्लैश मिलेगा। फोन का फ्रेम प्लास्टिक का ही होगा। फोन इन हैंड फील में बढ़िया होगा, जब आप फोन को हाथ में लेंगे तो आपको अच्छा फील देगा। वहीं फोन फ्रंट साइड से फ्लैट डिस्प्ले के साथ ही आएगा, जो कि सेंटर पंच होल वाला होगा, जहाँ साइड का बेजल्स और चीन बहुत कम रहेगा। फोन फ्रंट साइड से भी दिखने में बढ़िया होगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फोन लुक में बढ़िया फोन होगा। वहीं इस फोन के डिस्प्ले का बात करें तो इसमें 6.7 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक OLED डिस्प्ले मिलेगा, जो कि सेंटर पंच होल वाला फ्लैट डिस्प्ले होगा। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा। इसमें 4500 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस भी रहेगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी रहेगा, और इसमें 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी रहेगा। फ़ोन डिस्प्ले में बहुत अच्छा होगा, और जब आप फ़ोन को चलाएंगे तो फ़ोन चलाने में आपको बहुत बढ़िया लगेगा। फ़ोन एकदम स्मूथ चलेगा, नॉर्मल यूज में, ब्राउजिंग में, स्क्रोलिंग में, ऐप ओपन क्लोज में, ये सब में बहुत बढ़िया होगा। डिस्प्ले का टच सेंसिटिविटी भी बहुत बढ़िया रहेगा, और वीडियो व्यू एक्सपीरियंस में भी फ़ोन बेस्ट होगा। जब आप इसमें कोई भी हाई क्वालिटी का वीडियो प्ले करेंगे, या कोई हाई रेजोल्यूशन का मूवी देखेंगे, या कोई हाई रेजोल्यूशन का सॉन्ग प्ले करेंगे, तो आपको व्यू एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिलेगा। डिस्प्ले में फ़ोन बेस्ट होगा। वहीं इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर के साथ आएगा, जो कि 4nm फैब्रिकेशन पर बना है, तो बैटरी इफिशियंट भी है, और इसका NT2 स्कोर 15 लाख से भी ज़्यादा आता है। तो इससे देखिए क्लियर है कि फ़ोन परफॉर्मेंस में बेस्ट होगा। इस फोन में कोई भी गेम को आप कितना भी हाई सेटिंग पर प्ले करेंगे तो भी गेमिंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और एक गेमिंग करने वाले यूज़र के लिए ये फ़ोन बेस्ट होगा। अपने सेगमेंट में ये फ़ोन बहुत अच्छा गेमिंग करा के आपको देने वाला है, और एक नॉर्मल यूज़र के लिए ये फ़ोन और ज़्यादा बढ़िया होगा। वहीं इस फोन के स्टोरेज और रैम टाइप का बात करें तो ये फ़ोन LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप के साथ आएगा। फ़ोन स्टोरेज और रैम टाइप में अभी लेटेस्ट और फास्ट होगा। जब आप इस फोन में कोई भी ऐप को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, या एक ऐप से दूसरे ऐप पर स्विच करेंगे, या कोई बड़े फाइल को एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से होगा। स्टोरेज और रैम टाइप में भी फ़ोन टॉप क्लास का होगा। वहीं इस फोन के कैमरा का बात करें तो ये फोन रियर साइड से डुअल कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जहां की मेन कैमरा 50 MP का होगा, जहां की OIS भी रहेगा, और इसमें सोनी का लाइटिया 600 वाला सेंसर मिलेगा। 8 MP का अल्ट्रावाइड कैमरा रहेगा, और 16 MP का सेल्फी कैमरा रहेगा। और जब आप इस फोन के कैमरा से कोई फोटो क्लिक करेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे कोई भी कंडीशन में, तो ये अच्छा क्वालिटी निकाल के देगा। डायनेमिक रेंज में भी बढ़िया होगा, डिटेलिंग को भी अच्छे से मेंटेन रखेगा, लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फोन कैमरा में भी बेस्ट होगा, और आपको सेटिस्फाइड भी करने वाला है। वहीं इस फोन के बैटरी का बात करें तो ये फ़ोन 6000 mAh के बैटरी के साथ आएगा, जहां 80W के फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी मिलेगा, तो फ़ोन बैटरी में बेस्ट होगा। आज के टाइम में जितना फास्ट चार्ज का सपोर्ट का नीड होता है, उससे ज़्यादा ही इसमें रहेगा, और बैटरी भी ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि जनरली 5000 mAh का ही बैटरी मिलता है, लेकिन इसमें 6000 mAh का बैटरी मिलने वाला है। और ये फ़ोन डुअल स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के भी साथ आएगा, तो फ़ोन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी टॉप क्लास का होगा। और इस फोन में IP64 का रेटिंग भी रहेगा, और ये फ़ोन ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी के साथ आएगा। इसमें NFC का भी कनेक्टिविटी मिलेगा, और ये फोन X एक्सेस लीनियर मोटर के सपोर्ट के भी साथ आएगा, तो फोन हैप्टिक फीडबैक में भी बढ़िया होगा। और जब आप इस फोन में गेमिंग करेंगे तो गेमिंग के टाइम में ये फोन 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करने वाला है। दोस्तों, यही सब पूरा डिटेल्स था ये IQ G9 Turbo 5G से रिलेटेड, जो कि इस वीडियो में आपको बताए हैं। ये सब डिटेल्स देखिए, साफ क्लियर है कि फोन सारे चीजों में बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, चाहे डिस्प्ले हो, बैटरी हो, कैमरा हो, मल्टीमीडिया हो, परफॉर्मेंस हो, सारे चीजों में बेस्ट होगा। वहीं इस फोन के प्राइस का बात करें तो दोस्तों, जो लीक्स में इसका प्राइस बताया जा रहा है, वहां बताया जा रहा है कि ये फोन इंडियन मार्केट में 30,000 या उससे थोड़ा ज्यादा प्राइस पे लॉन्च होगा, और सारे डिस्काउंट के बाद ये फोन आपको 27,000 में या फिर 28,000 में मिल सकता है। और 27-28,000 के हिसाब से देखिएगा तो फोन बेस्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। वहीं इस फोन के इंडिया लॉन्च का बात करें तो दोस्तों, इस फोन के इंडिया लॉन्च के बारे में जो लीक्स आ रहा है, वहां बताया जा रहा है कि ये फोन इंडियन मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। अभी इसका डेट
रिवील नहीं हुआ है कि ये फ़ोन किस डेट पे लॉन्च होगा, लेकिन लॉन्च बहुत जल्द होने वाला है। और कुछ लीक्स में बताया जा रहा है कि ये फ़ोन इंडियन मार्केट में जून के एंड में लॉन्च हो सकता है। जून के एंड में लॉन्च होने का चांस बहुत ज़्यादा है। वैसे ऑफिशियली अभी कोई अपडेट नहीं आ रहा है कि ये फ़ोन कब आ सकता है, लेकिन लीक्स की माने तो ये फ़ोन जून के एंड में लॉन्च हो सकता है। वैसे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट आया था IQ G9 Turbo 5G से रिलेटेड वो सारा डिटेल्स आपको बता दिए। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।